हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम एक सिंगल कलर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सिंगल कलर के इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए लाइट पिंक कलर का यूज़ किया है। आप अपना मनपसंद कोई भी कलर इस डिज़ाइन के लिए चूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन हर कलर में बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा फंदा का बॉर्डर बना लिया है। आप अपना मनचाहा बॉर्डर कोई भी इसमें बना सकते हैं। फंदे हमने यहाँ पर लिए हैं 4 के मल्टीपल में +2, 4 के मल्टीपल में 26, 24 + 2, 26 फंदे हमने अपनी सिलाई में लिए हुए हैं। चलिए, रो वन हम राइट साइड से बनाना शुरू करते हैं। देखिए, जो साइड का फंदा है ये हमारा एक्स्ट्रा स्टिच है, इसको हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम अपने डिज़ाइन में काउंट नहीं करेंगे। देखिए, हमने इसको बुना। इसके बाद यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद चौथा फंदा जो है इसको भी हमें सीधा बुनना है, लेकिन 2 बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे। देखिए, इसको हमने इस तरह से 1 बार और फिर 2 बार, 2 बार धागा लपेटते हुए बुना। देखिए, डबल फंदा हमारा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमें रिपीट पैटर्न करना है। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद चौथे फंदे को 2 बार धागा घुमाते हुए बुनेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, चौथे फंदे को 2 बार धागा घुमाते हुए। देखिए, लास्ट फंदा आ गया। इसको हम सिंपल बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरह से हमारी रो वन राइट साइड कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर जब हम फंदों को बुनेंगे तो सीधा बुनेंगे। देखिए, पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे। यहाँ पर हम धागा अपनी तरफ क्यों लाए? ये जो हमने 2 बार धागा लपेटा हुआ फंदा है हमारा, इसको हमें खोल लेना है। बुनना नहीं है, सिर्फ खोलना है। धागा पीछे करेंगे, बाकी के 3 फंदे जिनको हमने पिछली सिलाई में बुना था इनको सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को खोल लेंगे। इसको भी हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारे डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो थी जो हमने राइट साइड से डाली थी, ये हमें सिर्फ एक ही बार बनानी है। यहाँ पर हमने इसको सिर्फ एक ही बार बनाया। अब जब भी हम अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे तो सेकेंड रो से करेंगे। चलिए, अब हम थर्ड रो में हैं। थर्ड रो में हमें सारे फंदों को सीधा बुनना है, लेकिन जो फंदा हमने लूज बुना है उसको हम नहीं बुनेंगे, उसको हम ऐसे ही स्किप करेंगे। देखिए, हमने इसको ऐसे ही स्किप कर लेना है। देखिए, 3 फंदे बुने, जब चौथा फंदा लूज फंदा आया इसको हमने स्किप कर लिया। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो चल रही है। देखिए, थर्ड रो कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर हम बुने हुए फंदों को सीधा बुनेंगे, और जो हमने फंदा स्किप किया है इसको इस सिलाई में भी हम स्किप करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें धागा अपनी साइड लाना होगा।
ये देखिए सेकंड फंदा हमने ऐसे ही बिना बुने स्किप कर लिया। धागा पीछे ले जाएंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से धागा अपनी साइड, ये फंदा हमने बिना बुने उतार लिया। इसी तरह से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड रो 4 हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हम आ गए हैं अपने डिजाइन की 5th रो में, राइट साइड में। इसमें हम पहला फंदा बुन लेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा स्टिच है, डिजाइन में काउंट नहीं होता है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, पहले हम तीन फंदों को बिना बुने उतार लेंगे, लूज फंदे को छोड़ देंगे और वापस से इन्हें अपनी सिलाई में एंटर कर लेंगे। अब पहले हमें इस लूज फंदे को बुनना है, लेकिन इसको हमें दो बार लपेटते हुए बुनना है, धागा दो बार लपेटते हुए, ये 1 ये 2, देखिए इस तरह से। अब हम इन तीन फंदों को बुनेंगे एक एक करके, 1 2 और 3। 3 फंदे बुनने के बाद फिर से वही करेंगे, पहले 3 फंदे उतार लेंगे बिना बुने, ये लूज फंदे को छोड़ देंगे, देखिए इस लूज फंदे को जब भी हम बुनेंगे दो बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे, 1 2। इसी तरह से इस पूरी सिलाई में हम इसको बनाते जाएंगे। देखिए दो बार लपेटते हुए हमने बुन लिया। ये रॉन्ग साइड रो 5 हमारी, राइट साइड रो 5 हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए हमारा डिज़ाइन दिखना शुरू हो गया है। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो 6 के लिए। यहाँ पर हम जो हमने फंदे बुने हैं, सिंगल बुने हैं, इनको तो सीधा बुनेंगे। देखिए 1, ये भी हमारा सिंगल फंदा है, 2 3 और 4, देखिए 4 फंदे हमने सिंगल बुने। इसके बाद धागा अपनी साइड लाएंगे और ये जो डबल फंदा हमने बुना था इसको बिना बुना ही स्किप कर लेंगे। इसी तरह से इस बिना बुने फंदे को स्किप करते हुए इस सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए रॉन्ग साइड रो 6 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं राइट साइड रो 7 में। यहाँ पर हमें सिंगल फंदों को, जो बुने हुए फंदे हैं, इनको सीधा बुनना है और जो लूज फंदा है इसको बिना बुना ही स्किप करना है। देखिए ये हमारे बुने हुए फंदे हैं, इनको हम बुनेंगे और जब लूज फंदा आएगा इसको हम स्किप करेंगे।
ये देखिए हमारी रो 7 कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो 8 के लिए। यहाँ पर भी हमें बुने हुए फंदों को सीधा बुनना है और जो बिना बुना फंदा है उसको स्किप करना है। देखिए चार हमारे फंदे बुने हुए थे, इनको हमने बुन लिया। अब देखिए धागा अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को स्किप कर लेंगे। फिर से धागा पीछे, रो 8 हमारी कंप्लीट हो गई है। राइट साइड में आ जाते हैं रो 9 के लिए। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा सीधा बुनने के बाद देखिए पहले हम इस फंदे को छोड़ देंगे, जो लूज फंदा है इसको हम छोड़ देंगे। तीन फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और 3। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद हम इस लूज फंदे को दोबारा से पकड़ेंगे इस तरह से और इसको दो बार लपेटते हुए सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा फंदा इस तरह से बुना जाएगा। फिर पहले की तरह इसे छोड़ देंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। अब इस फंदे को पकड़ेंगे दोबारा से और डबल लपेटते हुए दो बार धागा घुमाते हुए इसको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए इस तरह से ये हमारा जिगजैग पैटर्न बन जाएगा। एक बार हमारे फंदे राइट साइड की तरफ टिल्ट हुए, एक बार अब लेफ्ट की तरफ। इसको छोड़ेंगे, तीन फंदों को सीधा बुनेंगे पहले, इसको पकड़ते हुए दो बार धागा घुमाते हुए इसे सीधा बुन लेंगे। इस सिलाई के साथ ही हमारा डिज़ाइन का ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, फर्स्ट रो हमने सिर्फ एक ही बार बनानी है, तो ये पैटर्न सेकंड रो से रो 9 तक रिपीट होगा। जहाँ से हमने रॉन्ग साइड रो सेकंड शुरू की थी वहाँ से अब ये रिपीट होगा और रो 9 यहाँ तक चलेगा, और इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा आगे बनता जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आएगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।